तो जहां हमने पहले ही बताया कि फैजल और मुस्कान हो गए हैं अलग, जी हां, दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और ब्रेकअप भी ऐसा कि दोनों हो गए हैं एक दूसरे के दुश्मन। जहां अभी कुछ दिन पहले फैजल ने मुस्कान के बारे में एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मुस्कान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, वहीं मुस्कान ने तो ये कह दिया था कि फैजल और स्नेहा वाघ के बीच अफेयर चल रहा है। स्नेहा फैजल के शो चंद्रगुप्त मौर्य में उनकी माँ के किरदार में नजर आ रही थी और अब एक बार फिर मुस्कान ने कोई कसर नहीं छोड़ी फैजल और उनके परिवार को नीचा दिखाने में। आइए दिखाते हैं मुस्कान ने क्या कहा। फैजल फर्स्ट चीटेड ऑन मी 9 months ago, a year after we started dating. She was a friend of his and I caught him after I saw his chat conversations. He apologized to me profusely and I decided to give our relationship a second chance as I truly loved him. If I was with him for money or the limelight, there were several opportunities for me to cash in on my relationship with a celebrity, but I didn't. The decision to make our relationship public was his and not mine. Probably, he wanted to break away from his image of a child artist. She further added by saying, he knows a lot of people in the industry and if he was so concerned about my career, he would have helped me right from the word go. So where does the accusation of being with him for money and fame come into the picture? तो क्या लगता है आपको, मुस्कान के ये आरोप कितने सही है या क्या वाकई फैजल ने अपने चाइल्ड आर्टिस्ट इमेज को हटाने के लिए मुस्कान का सहारा लिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।